अथ श्री चतुर्श्लोकी भागवत। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरी भागवत का पाठ कर सकें और आप करना चाहते हैं, परेशान मत होइए। ये चार ऐसे श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश समाहित है। यही मूल चतुर्श्लोकी भागवत है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल चार श्लोकों में दिया था। वे चार श्लोक जिनके पाठ से पूरी भागवत पाठ का फल मिलेगा, तो आइए सुनते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। श्री भगवान वाच सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि स्थित तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथातमः। तो मुझ मूल तत्व के अतिरिक्त सत्य सा प्रतीत होता है, परंतु आत्मा में प्रतीत नहीं होता। उस अज्ञान को मेरी माया समझो, जो प्रतिबिंब या अंधकार की भांति मिथ्या है। था महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं हैं, वैसे ही मैं भी सब में व्याप्त होने पर भी सबसे अलग हूँ। जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय सृष्टि अथवा व्यतिरेक प्रलय के क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। श्री चतुर्श्लोकी भागवत संपूर्ण।